हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 59 करेंगे, इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आज हम डायरी एंट्री की। तो हम लोगों ने कई सारी पिछली वर्कशीट्स में समझा था कि हम डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं, तो आइए आज हम वर्कशीट में एक प्रैक्टिस के थ्रू इसे समझते हैं। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिगिन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप 15 to 18 ईयर ऑफ एज। तो जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो 15 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी। तो हियर सम ऑफ योर नेबर्स, तो आपने अपने कुछ नेबर्स से सुना होगा जो कि इस बारे में बहुत चिंतित है दैट दे वुड बी सेफ टू गेट वैक्सीनेटेड वेन ओमिक्रॉन वेरियंट इज ऑन राइज, कि वो बहुत ही सेफ रहेंगे अगर ये ओमिक्रॉन वायरस थोड़ा बड़ा। तो राइट अ डायरी एंट्री, अब आपको इससे रिलेटेड डायरी एंट्री लिखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर डायरी, आई एम ऑल्सो वरीड दैट ड्यू टू कोविड-19 राइज, कि जो कोविड-19 का राइज है वो बढ़ रहा है। माई स्कूल्स आर शट अगेन, और मेरे स्कूल्स बंद हो सके हैं। दिस इज हार्मिंग माई स्टडीज, इससे मेरी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है और हम एक बार फिर से ट्रैक से उतर चुके हैं। आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, मैं अपने सभी कंट्री के लोगों से कहूँगा कि ऑलरेडी जो 100 करोड़ पीपल है उन्हें वैक्सीनेशन हो चुका है और लोग भी रोज वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो आई शुड एंश्योर, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो कि एज 15 to 18 में है कि वो भी वैक्सीनेशन कराए, जिससे कि सभी चिल्ड्रंस कोविड-19 इन्फेक्शन से सेव रहे। अगला है द केस ऑफ कोविड-19 यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज अ फियर ऑफ अनदर लॉकडाउन, और सबको लग रहा है लॉकडाउन होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कौन सी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो डियर डायरी, हम सब जानते हैं कि नाउ अडेज कुछ और केसेस जो हमारे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, विच ब्रिंग्स टेंशन, जिनसे टेंशन हो रही है सब पर्संस को। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे भी बाहर जाते समय जो कोविड-19 का बिहेवियर है उसे फॉलो करना चाहिए। आई फील वेरी टेंस्ड, मैं बहुत टेंस फील कर रहा हूँ, बहुत ही दुखी हो रहा हूँ कि जो लोग हैं वो मास्क नहीं पहनते, वैक्सीनेशन नहीं कराते। तो आई एम कंसर्न, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बिहेवियर है ये डिफिकल्ट है हम सबके लिए, और जो लॉकडाउन है ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, पर हमें सेफ्टी मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे हम लॉकडाउन से बचें। तो इस तरह से आप ये दोनों डायरी एंट्री करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड